उसने अपने जो घोषणा पत्र घोषित किए हैं इसमें कितने वादे पूरे किए हैं इसके आधार पर होती है। 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, 8 से ज्यादा पेपर लीक हुए, और क्यों पेपर लीक हुए हम सब जानते हैं, भर्तियां हो नहीं पाई, 3000 रुपया प्रतिमाह बेकारी भत्ता देने का वादा किया था वो भी पूरा नहीं हुआ, 40 लाख बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देनी थी वो भी वादा पूरा नहीं हुआ, 7 लाख गरीबों को घर देने का वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, मोदी जी ने इसका प्रयास किया, गरीबों का 1 लाख रुपए का लोन माफ करना था वो भी नहीं हुआ, हर जिले में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोलना था वो भी नहीं हुआ है, सिनेमा सिटी, फार्मा सिटी, टेक्सटाइल सिटी, स्पोर्ट सिटी और एजुकेशन सिटी ये सभी बनाने का वादा था, सिटी कहीं पर दिखाई नहीं पड़ती है और सिटी के लिए जो जमीन था वो सारा गबन कर केसीआर के लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। इसके दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना से 1950 से जनसंघ से लेकर अब तक जितने वादे किए थे ये 9 साल में हमने सभी वादे पूरे किए हैं, चाहे राम मंदिर बनाने का वादा हो, चाहे धारा 370 को समाप्त करने का वादा हो, चाहे त्रिपल तलाक को समाप्त करने का वादा हो, चाहे गरीब कल्याण का वादा हो, हमने कई सारे गरीब कल्याण के काम केसीआर सरकार के असहयोग के बावजूद भी यहाँ किए हैं, जैसे 40 लाख लाभार्थियों को किसानों को हर साल 6000 रुपया मोदी सरकार चेक से दे रही है, 54 लाख गरीबों के घर में पीने का पानी नल से जल पहुंचा है, लगभग 33 लाख घरों में तेलंगाना के शौचालय बनाया, 1.9 करोड़ गरीबों को हर साल 5 किलो हर महीने 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति हम दे रहे हैं, 11,50,000 माताओं को उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर दिया, 2.5 लाख घर बनाए और ग्रामीण सड़क योजना भी 12,000 किलोमीटर बनाई। तो कौन पार्टी अपने वादे पूरे कर रही है इससे इसकी विश्वसनीयता खड़ी होती है। और यहाँ पर केसीआर सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा रोष तुष्टिकरण की राजनीति का भी है। हमारा संविधान किसी भी वर्ग विशेष को स्पेशल फेवर परमिट नहीं करता है। तुष्टिकरण की राजनीति